है गुरुदेव, मंत्र सिद्ध हो चुका है तो उसके क्या लक्षण होंगे? ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों ने हमसे पूछा है, तो उसका सही सटीक जवाब हम आपको बताएंगे। शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो माता भगवती का ही साक्षात स्वरूप होता है। ये जो पावर होती है बिजली की तरह होती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार लाइट की तरह चमक उठते हैं। दिव्य ज्योति जो होती है वो जगमगाने लगती है अपने अंदर, और इसका सीधा कनेक्शन होता है हमारी अंतरात्मा से। वहाँ पर हमारी जो सिक्स्थ सेंस जिसे बोलते हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। दिव्य यानी कि अलौकिक सिग्नल्स, प्रकृति के रहस्य, ये सब हमारे सामने खुलने लगते हैं, हमें इनका पता लगने लग जाता है। जब साधना पूरी होने के कागार पर होती है तो हमारी अंतरात्मा होती है जो वो निर्मल हो जाती है, एकदम साफ हो जाती है। उसमें जो शक्ति के एलिमेंट है, ईश्वरीय तत्व है, उनसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। जिस तरह दीपक जलते ही अंधकार यानी कि अंधेरा एकदम खत्म हो जाता है, उसी तरह जब ये सिद्धि होती है तो सारे संसार की जो भ्रम है वो हट जाता है और वास्तविकता आपके सामने आ जाती है। मंत्र सिद्धि में जो साधक आगे बढ़ता है वो सिद्ध योगी की उपाधि प्राप्त करता है। फिर उसे स्वप्न में, जागृत में, हर अवस्था में माता भगवती के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। माता भगवती के दर्शन या तो ज्योति के रूप में होंगे या साक्षात एक नारी स्वरूप के रूप में होंगे, क्योंकि ये सब होता है उनकी श्रद्धा पर। अगर वो ज्योति के रूप में उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें मानते हैं, उनकी श्रद्धा है, तो वो उस रूप में दर्शन देंगी, नहीं तो वो साक्षात माता एक माँ के रूप में भी दर्शन देती हैं। उनसे वो सीधा वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, भूत भविष्य की पूछ सकते हैं, या और भी जो कुछ भी उनकी जिज्ञासा होती है वो शांत कर सकते हैं। साधक को ध्यान में या स्वप्न में, क्योंकि उनका ध्यान ऐसा हो जाता है, उनकी नींद भी ऐसी हो जाती है ध्यान जैसी, और उसका जो स्वप्न होता है वो ध्यान की ऊंचाइयों पर होता है, तो उसे ध्यान में या स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, सभी देवी देवताओं के, और वो सब उसके पिछले संस्कार भी हो सकते हैं और भविष्य का साक्षात दर्शन भी हो सकता है, अर्थात भविष्य में क्या होना है वो साक्षात उसे स्वप्न में या ध्यान में दिखाई देने लग जाता है। और वास्तव में साधक जब इस ऊंचाई पे होता है तो उसका जीवन बिल्कुल सादा हो जाता है, किसी भी तरह का आडंबर या भ्रम या भेदभाव उसके दिल या दिमाग में नहीं रहता। ये सब मुख्य और छोटी छोटी बातें जो एक सिद्ध, मंत्र सिद्ध वाले साधक में आपको दिखाई देंगी। जय गुरुदेव।